ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन डिबेट शो सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का काम चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहा है। लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की और काम बोलता है को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सपा सरकार पर हमले किए। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम जान रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, रंजन मित्तल जी कांग्रेस से हैं, गौरव जैन जी समाजवादी पार्टी से हैं, अशोक बाटला जी बीजेपी से हैं। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा। गौरव जैन जी, काम आपका बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए और कितने चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा आपका काम। देखिए, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, काम बोल रहा है। उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी प्रधानमंत्री ने कह दिया आपका काम नहीं, कारनामे बोल रहे हैं। कारनामे ही तो है, बताइए कोई ऐसा दूसरा नेता जिसने सड़क पर हवाई जहाज उतार कर दिखा दिया हो, बताएं मोदी जी। एक मैं यही तो कह रहा हूं गौरव जैन जी, आप लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेसवे दिखाते हैं और कहते हैं हमने बहुत सारा काम किया है। आप लोग एक एक्सप्रेसवे दिखाते हैं और कहते हैं हमने बहुत सारा काम किया है। बताता हूं, देखिए मैं सवाल ये कर रहा हूं कि आप एक्सप्रेसवे बताता हूं, देखिए तो बुंदेलखंड की बात सुन के भी दिखाएं लड़कियों की इज्जत। अब मैं आप बताऊं, बाटला जी एक सेकंड, आपने सवाल किया, मैं आपको सवाल का पूरा जवाब दे दूं। आप गिनना शुरू कीजिए, बाटला हो गया, सुनिए ऐसे नहीं, आप मुझे योजनाएं मत गिनाइए। मैं आपको बता दूं, कन्या योजना नहीं गिनने वाला हूं, 1090 बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप योजना, अल्पसंख्यक कल्याण योजना, लोहिया सामग्री योजना, जनेश्वर मित्र योजना। अरे योजनाएं मैंने और भाई साहब मुझे मत गिनाइए, 55 लाख समाजवादी पेंशन आज तक किसने बंटवाई है, बताइए। मैं कह रहा हूँ आप योजनाएं केंद्र भी गिना रहा है गौरव जी, नहीं प्रैक्टिकल आरटीआई सबूतों के साथ। चलिए प्रैक्टिकली मैं आ जाता हूं, मैं प्रैक्टिकली आ जाता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो क्या आप ऐड दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने मेट्रो चला दी लखनऊ में, आप धीरे धीरे और तमाम शहरों में भी मेट्रो चलाएंगे। मोदी जी ने आज तंज कसाया, उन्होंने कहा है कि मैं अखिलेश को इन्वाइट करता हूं कि वो मेरे साथ आए और मेट्रो में सफर करें। ये मेट्रो कहां से कहां तक चल रही है मुझे भी तो पता चले। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन किया गया, मेट्रो कहीं नहीं चल रही है। देखिए आपने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मतलब है झंडा डंडा प्रोपेगंडा और हथकंडा। भाजपा के नेताओं के पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अगर आप मेट्रो की बात करेंगे, लखनऊ के अंदर जाइए आप, पूरी मेट्रो चल के आज जनता के बैठने के लिए तैयार है। और एक दूसरी बात सुनिए, ज्यादातर प्रधानमंत्री गौरव जी, प्रधानमंत्री पूछ लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। मैं कहा कि मैं लखनऊ आने के लिए तैयार हूँ, अगर अखिलेश बैठकर जाने के लिए तैयार भी है प्रधानमंत्री जी, पहुंचे तो सही। और प्रधानमंत्री मुझे एक बात का जवाब दे दे बस, उन्होंने जो 50 दिन नोटबंदी के लिए मांगे थे और कहा था कि 50 दिन बाद अगर कोई समस्या बची तो चौराहा जनता चुन ले। अब मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, प्रधानमंत्री चौराहा बताइए कहां मिलेंगे, तो जनता नहीं समस्या मेरा सवाल है प्रधानमंत्री नोटबंदी को लेकर आज भी समस्या है क्या, पूरी बात बता रहा हूँ, आप लाइन देख रहे हैं, बता रहा हूँ समस्या, बता रहा हूँ समस्या, मैं वही समस्या बताने जा रहा हूँ। नोटबंदी समस्या ही समस्या है, 100 से ज्यादा लोग आप नोटबंदी पर मत आइए, मैं काम बोलता है कि बात कर रहा हूं, काम बोलता है कि बात कर रहा हूं। आप बताइए किसानों को उनका बकाया भुगतान क्यों नहीं मिला, अगर आपका काम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है तो आप सवाल का जवाब सुनना चाहेंगे, आप जवाब नोटबंदी पर पहुंच गए। मैं आपकी हर बात का सवाल पूछा, मेट्रो चल रही है, सवाल पूछा, मैं जवाब, मैंने आपसे पूछा मेट्रो चल रही है नहीं चल रही है, सुनिए आपने मुझसे सवाल पूछा, किसानों का भुगतान, किसानों के लिए योजनाएं, मैं आपको जवाब दूंगा। आपको कौन सा एहसान कर दिया किसानों को? बात सुनिए क्या किसानों की ऋण माफी, 1000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं, 1788 करोड़, 6 महीने पहले का सर्वे है, 1788 करोड़, 1000 से ज्यादा कर्ज माफी किया गया है, 1000 मान लेते हैं, 1788 करोड़। दूसरी सुनिए, कितने लोगों को फायदा मिला है बता रहा हूँ, सुनिए मैंने कहा जनेश्वर मिश्र योजना, योजनाएं केंद्र भी चला रहे हैं, केंद्र की है,
चलिए गौरव जी रुके, बीजेपी रंजन जी, रंजन जी आपसे पूछ रहा हूँ, रंजन जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, रंजन जी आपका जवाब तो दे दूं, समाजवादी पेंशन मुझे पहले मेट्रो का जवाब दे दीजिए, पहले आप मुझे मेट्रो का जवाब दे दीजिए, मेट्रो चल रही है, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, चल रही है, तैयारियां हो चुकी है, अब जनता के लिए नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, इनॉग्रेशन हो चुका है, मेदांता अस्पताल तैयार है, मेदांता अस्पताल जनता के लिए खुलने वाली है, कर दिया गया ठीक से पहले। आप एक बात सीखिए महोदय, आप किसान ऋण माफी की बात नहीं करना चाहते, आप लोहिया ग्राम की बात नहीं करना चाहते, आप जनेश्वर योजना की बात नहीं करना चाहते, आप 1090 की बात नहीं करना चाहते, आप पेंशन योजना की बात नहीं करना चाहते, आप लैपटॉप की बात नहीं करना चाहते, आप मुफ्त साइकिल की बात नहीं करना चाहते, आप उनकी बात नहीं करना चाहते। बाटला जी एक मिनट, गौरव जी मैं भी कह दूंगा कि मैंने ये वाला स्पेशल प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है, ये वाला बनाकर रखा हुआ है, ये वाला बनाकर रखा हुआ है, लेकिन उससे प्रदेश का देश का कोई हित तो हो, मैं तो साहब मैंने तो अपने पास स्क्रिप्ट सब अच्छा आप बताइए, आप मुझे बताइए, बाकी सुनिए, आप सुनिए, बाकी बात नहीं कर रहा, बात नहीं है, आपके पास किसी बात का बात का जवाब नहीं है, मैं एंकर महोदय के सवाल का जवाब दे दूं, महोदय देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे ऑनलाइन कह रहा हूँ, 55 लाख समाजवादी पेंशन गरीब परिवार की महिलाओं को दी जा रही है, कौशल प्रशिक्षण ये सब हो चुका है, हाँ दिया गया चुका है, आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन जो जायज सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेट्रो चल रही है, मैदान का अस्पताल बन गया है, किसानों का बकाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें मिल गया, बड़ी बीमारियों का मुफ्त इलाज दिया गया है, बड़ी बीमारियों का बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज दिया गया है, रंजन जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एमबीबीएस की सीटें आजादी से अब तक की दुगनी कर दी गई है, जीवन नहीं बचेगा तो क्या क्या करेगा लाभ, एक मिनट बाटला जी एक मिनट चुप हो गए, रंजन जी आपसे पूछ रहा हूँ, केंद्र में आप भी थे, समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ना बकाया की बहुत बड़ी समस्या रही है, करा दिया। कोई भुगतान नहीं हुआ, भुगतान झूठ मत बोलिए, रंजन जी आपको जानकारी नहीं, झूठ मत बोलिए, सरकारी भुगतान मिला उन्हें, सरकारी मिलों का 100% भुगतान हुआ है, कोई भुगतान नहीं हुआ, आप मुझे बताइए कौन सा नहीं हुआ, मैं रंजन जी, रंजन जी मेरे पास तो पूरा आंकड़ा है, मैं बताइए एक आदमी बताइए, मैं आपको तमाम मिलों के आंकड़े बताऊंगा, किसानों के आंकड़े बता दूंगा, पेमेंट नहीं हुआ, किसान कितने ज्यादा परेशान है, मैं बताऊं, आप बताइए, कोरला मिल पूरा भुगतान हो गया, कौन-कौन मिल पूरा भुगतान हो गया, मंजूरपुर मिल पूरा भुगतान हो गया, बताइए सरकारी मिल कौन सा जिसका भुगतान, इन सबके भुगतान हो गए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भुगतान, आप ऑनलाइन लीजिए जिला देखा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भुगतान हो गए, किसानों का कुछ भी बकाया नहीं, सरकारी मिलों का 100% भुगतान हो चुका, गौरव जी आप चिंता मत करिए, मैं किसी किसान नेता को बिठाऊंगा और आपको बिठाऊंगा, अभी किसी सरकारी अधिकारी को लाइन पर ले और उससे बात करें, वो आपको बता देगा, हम लाइव नहीं जोड़ सकते, हम लाइव नहीं जोड़ सकते, हमारे पास तकनीकी दिक्कत है, लेकिन मैं आप लाइव जोड़ूंगा, बात कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के भुगतान हो गया, नहीं हुआ, चैनल पर आप कह रहा हूं, रंजन जी आप बताइए भुगतान हुआ नहीं हुआ, रंजन जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकारी का भुगतान हो गया, आप आगे बगाड़ी का दोबारा आ जाओ, और गेस्ट भी है मेरे पास, रंजन जी आप बताइए, बाटला जी और गेस्ट भी है मेरे पास, रंजन जी आप बताइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानों का बकाया है उसका भुगतान हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा है कि जहां तक किसानों का भुगतान हुआ है, किसानों का बहुत सारा रुपए का भुगतान हो चुका, अगर कहीं थोड़ा बहुत कहीं भुगतान शेष होगा वो भी किया जा रहा है, क्योंकि भुगतान की एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार भुगतान किया जाता है, मुझे अभी यहाँ पर एक न्यूज़ 18 का एक वो था प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर भारतेंदु जी भाजपा के जो सांसद थे वो वहाँ पर थे, वो ग्राम उनके द्वारा अडॉप्टेड, वो उन्हीं की क्षेत्र में वो ग्राम आता है, और शुक्र ताल के अंदर वहाँ पर उस दिन वहाँ पर डिबेट थी, उसके अंदर वहाँ पर किसान यूनियन के लोग ही कह रहे थे कि ये भाजपा के जो सांसद महोदय हैं ये आज 3 साल बाद पहली बार दिखाई दिए, और अब की बार हम इन्हें, और वो किसान यूनियन के ही लोग थे, उनका कहना यह था कि भाजपा ने जो हमसे वादे किए थे उनमें से कोई सा भी वादा पूरा नहीं किया, और इन्हें की बात कर रही, आप सांसद की बात कहां से कर रहे हैं, आप इतनी देर से के बारे में नहीं, बाटला जी सवाल है, बाटला जी सवाल है, जब आप अन्नदाताओं के हितों की बात करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, जब आप भुगतान के बारे में बताएं, भुगतान के बारे में जब आप राजनीति करते हैं तो आपको सुनने का भी धैर्य होना, बिल्कुल, तो आप आप लोग इतनी देर से बोल रहे थे, मैं बिल्कुल बीच में चुप था, मैं एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस अपना आपको बता रहा हूँ कि उस दिन वहाँ क्या हुआ,
किसान यूनियन के लोग वहां मौजूद थे, राकेश टिकैत जी वहां मौजूद थे, वहां पर समाज के कुछ किसान यूनियन के भाई हमारे वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा बीजेपी को वोट लेने के लिए सिर्फ जुमला कहने की आदत पड़ गई, धरातल पर काम नहीं करते। अब की बार हम बीजेपी को यह बताएंगे कि वोट किस तरह से दिया जाता है और क्या हमें उनसे वो अपेक्षाएं थी बीजेपी के। मेरा क्योंकि पिछली बार जो उन लोगों ने वोट दिया था वो उन्होंने दिया था और उनका गुस्सा आप ही से था। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि पब्लिक को आपसे चाहिए क्या। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आप हकीकत के अंदर नहीं पहुंच सकेंगे। थोड़ा सा अपना सुनने का एक मादा भी रखिए। ये नहीं है कि अगर आप सत्ता के अंदर कहीं केंद्र में आ गए तो आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। आपको बात सुननी चाहिए। बाटला जी सुनना तो पड़ेगा और उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं किसानों के बकाए की बात कर रहा हूँ। आपका सवाल भुगतान के ऊपर था। भुगतान के लिए इसे सवाल को चेंज कर दिया उन्होंने। नहीं, सवाल को चेंज नहीं किया, सवाल ही बदल दिया उन्होंने। किसान यूनियन ऐसे उस सवाल यूनियन आप भुगतान की बात करिए, भुगतान कितना हुआ कितना नहीं हुआ। भुगतान तो तारीख में आपके आपके पार्टनर कह रहे हैं कि सारा भुगतान हो गया है। आप उनकी बात टाल रहे हैं कि कुछ भुगतान हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। सारा भुगतान आपके तो पार्टनर है वो। इज राइट, सारा भुगतान हो गया है। कब हो रहा है भुगतान? आप 5 साल से सरकार है। चले अच्छा सोच रहे होंगे इलेक्शन आ गया तो भुगतान की तरफ बढ़ गए। बाटला जी आपको बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि जब ओलावृष्टि हुई 7 बार उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके पास प्रस्ताव भेजा कि प्रदेश को मदद की आवश्यकता है। आपके केंद्र के प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ सौतेला रवैया अपनाया और कोई मदद नहीं भेजी। 10,000 करोड़ से ज्यादा की मदद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ओलावृष्टि में किसानों को ना देके बताइए आपने कितना पैसा दिया, क्यों नहीं दिया, जवाब दीजिए किसानों को। फैक्ट्री ओनर को मदद कर रहे हैं। अरे भैया आप किसानों की बताइए क्या मदद की। ओलावृष्टि में जब किसान मर रहा था आप कहां थे? किसानों की मदद ना करके फैक्ट्री ओनर को मदद दे रहे हैं। अरे किसानों की मदद नहीं कर रहे आप किसानों की मदद नहीं कर रहे और उनकी वोटों से जीत रहा है। अरे भैया एंकर मोदी आप से एक बार से मिला कीजिए क्या कह रहे हैं। बाटला जी आप क्या कह रहे थे? दोबारा दोहराइए आप क्या कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पैसा यूपी गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने पैसा किसानों को ना देकर फैक्ट्री मालिकों को दिया और मालिकों से कमीशन खाई। किसानों तो कहां पैसा पहुंचा? एक आप फैक्ट्री का नाम बता दीजिए। मैं बताऊं अदानी अंबानी पाकिस्तान क्यों गए थे आपके प्रधानमंत्री, मुझे बता देंगे जरा? ये नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है। बाटला जी मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कैसा प्रधानमंत्री देश को दिया है। नोटबंदी नहीं, नोट का फ्यूचर। चलिए आप एक बात का जवाब दे दीजिए। 73 सांसद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिए। केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? मैं भी बताइए। नहीं सवाल ये भी मैं भी पूछ रहा हूँ बीजेपी से। बाटला जी उत्तर प्रदेश में बाटला जी चौथा बजट पेश होने जा रहा है। नकुल जी उत्तर प्रदेश चौथा बजट पेश होने जा रहा है। 3 बजट पेश हो चुके, चौथा पेश होने जा रहा है। उन 73 सांसदों के बदले उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया है? उत्तर प्रदेश क्या ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है? ऐसा रिजल्ट देने के बाद केंद्र ने उनकी उनका सौदा करा दिया, अपना दिया। किसान मरते हैं वो मुंह फेर लेते हैं, नोटबंदी में लोग मरते हैं वो मुंह फेर लेते हैं। चलिए हम इस डिबेट नहीं चाहते। चलिए हम इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। मुद्दा यही था। रंजन जी क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सिर्फ यह है कि नोटबंदी पे आप कोई भी चीज ऐसी नहीं बता पाते कि नोटबंदी से आम जनता का कोई फायदा हुआ। भविष्य की बात करके आप अपना पल्ला अरे 100 लोग शहीद हो गए उनके लिए क्या क्या ये बता दो। 2-2 लाख सरकार ने दे दिया उत्तर प्रदेश की। गौरव जी एक मिनट जरा पहले आप नोटबंदी पे अपना पल्ला झाड़ते हैं। आप जुमलों की बात मत करिए, कुछ हकीकत की बात करिए। एक सेकंड पहले मुझे कहने दे। बिल्कुल है। 100 लोग मरते हैं अगर सड़क के ऊपर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ होता है तो किसी केंद्र सरकार से या प्रदेश की सरकार से उस आदमी को एक मुआवजा दिया जाता है। इस नोटबंदी के कारण 100 लोगों का से ऊपर आपने आपकी पार्टी ने आज तक आप उनकी जो शहादत हुई है इस नोटबंदी के कारण आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते।
आप उसके अंदर आपने उन लोगों को क्या सांत्वना दी? आप लोगों ने उन लोगों के लिए नोटबंदी के ऊपर कोई नहीं मारा है, और आपके नेता कहते हैं कि ये सब भ्रष्ट थे, वो गरीब मजदूर किसान भ्रष्ट थे, ये कर गए, बहुत शर्म की बात है। अगर आपने उन्हें आज आपने, और चलिए आप एक बात और जवाब दीजिए, उसके फलाने काले धन के नाम पर नोटबंदी की और उसमें लोग मर गए, काला धन कितना ये बता दीजिए। लोगों की लाश के ऊपर आप बैठ के लाश किसी बात करें, आप अभी पेड़ लगाए लोगों की लाशों को बेचकर राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए क्या कुछ किया है सरकारों ने, उत्तर प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए सरकारों ने क्या कुछ किया। तीनों पार्टियों के मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। कांग्रेस जिसने इतने सालों से देश को चलाया, उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के प्रवक्ता हमारे साथ थे, बीजेपी की केंद्र सरकार के प्रवक्ता हमारे पास थे। सवाल है कि तीन साल में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। सवाल यह है कि पांच साल में समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 साल जिसका डंडोरा कांग्रेस पीट रही थी, उसने इतने सालों में प्रदेश के लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है। सारी जनता ये शो देख रही होगी, उसे समझ आ गया होगा कि किसानों का भुगतान हुआ है नहीं हुआ है, जनता को क्राइम से राहत मिली है नहीं मिली है, काम चिल्लाकर बोल रहा है नहीं बोल रहा है। आज सीधा सवाल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार टुडे।